सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, टैली को ओपन करते हैं। तो ये है आपकी टैली 9, देन यहाँ पे है टैली ईआरपी 9। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस देखने का है अलग। थोड़ा टैली 9 अलग रहती है, टैली ईआरपी 9 थोड़ी अलग रहेगी आपकी। बाकी शॉर्टकट की आपकी सभी में सेम रहेंगी, टैली 9 हो या फिर वो ईआरपी 9। तो अपन तो टैली 9 में वर्क कर रहे थे, तो अपन यहाँ पे टैली 9 ओपन करते हैं। जैसे ही आप टैली 9 यहाँ पे ओपन करते हैं, तो आपके सामने इस टाइप से शो होता है। कीबोर्ड में एस्केप की है, आप उसके द्वारा बैक जाते हैं। ठीक है, जैसे आप बैक जाते हैं तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ कंपनी में किसी और की कंपनी का नाम शो हो रहा है, आपको इसको क्लोज करना है और आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम देना है कंपनी। तो क्लोज किससे करते हैं, अल्टर प्लस F1। कीबोर्ड से आप अल्टर F1 करते हैं तो आपकी कंपनी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। कैसे पता, आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नाम भी शो नहीं होगा और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली जो आ रहा था वो भी नहीं आया। फिर आपको ये अलग ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है आपका सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी क्या होता है, जब आपकी पहले से कंपनी बनी हुई होती है आपको उसी में वर्क करना होता है, तब आप क्या करती है, सेलेक्ट कंपनी करती है। लेकिन अपन यहाँ पे क्रिएट कंपनी करते हैं, क्यों, क्योंकि अपन पार्ट डे क्वेश्चन सॉल्व करती हैं। तो अपन सी प्रेस कर सकती हैं या फिर कीबोर्ड से ये क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर भी कर सकते हैं या फिर माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है नेम, आप जो चाहे इसको नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना हो। हमने यहाँ पे ये नाम दे दिया, एंटर करेंगे। मेलिंग नेम में आप चेंज भी कर सकते हैं मेलिंग नेम, जैसे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंटर किया। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस देना है, जहां भी आपकी कंपनी होती है वो एड्रेस दे देंगे, एंटर करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन नॉर्मल है जो कि आप सभी को आती है, इसलिए हम कंट्रोल प्लस ए कर देते हैं। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ कंपनी में जो कंपनी आपने बनाई है उसका नाम आ रहा है, जिस नाम से आपने क्रिएट की है। और ये आपका फ्रंट पेज रहता है गेटवे ऑफ टैली, इस पेज से आपकी सारी शॉर्टकट की यूज होती है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। लेजर किसका, कैपिटल दिया है और बैंक से लोन, ये बैंक का नाम है नहीं है। अब आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें पूंजी लगाते हैं, पूंजी मींस क्या होता है, कैपिटल। अब मान के चलिए आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन आपके पास तो ओनली 5 लाख है, तो 5 लाख रुपए फिर आपको लोन भी लेना रहेगा, तो आप बैंक से भी लोन ले लेते हैं या फिर किसी पर्सन से कर्ज ले लेते हैं, तो उसकी एंट्री भी करते हैं आप। तो अपन यहाँ पे दो लेजर बनाएंगे, एक तो कैपिटल का है और दूसरा है आपका बैंक से आपने लोन लिया है वो। तो लेजर किससे बनाते हैं, एएलसी, एएलसी करेंगे आप और यहाँ पे क्या देंगे आप, कैपिटल अकाउंट एंटर करेंगे। एलआईएस में आप नाम दे देंगे, जो भी आप दूसरा नाम देना चाहते हैं, एंड अंडर में ये कहाँ जाएगा, कैपिटल में, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, बैंक लोन। अगर आप बैंक चले जाते हैं फिर आपको एएलसी करना रहेगा, तो अपन दोनों एक साथ बना लेते हैं। एक अपन ने बना लिया है कैपिटल, अब अपन ने दूसरा बनाने के लिए दे रहा है वो, तो अपन यहाँ पे ले लेंगे बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट एंड एलआईएस में आप बैंक का नाम भी डाल सकते हैं, एड्रेस भी डाल सकते हैं, जो भी आपको लेना है आप यहाँ पे डाल देंगे एंड। अब ये अंडर में कहां जाता है, लोन लायबिलिटीज। आप यहां से एल प्रेस करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे लोन्स लायबिलिटीज आ रहा है। लोन एंड एडवांस एसेट्स कब आता है, जब आप, ये इसमें नहीं आता, ये नॉन बिजनेस टैली में होता है। जब आप बैंक में जॉब करते हैं तो आपको पता है बैंक में जॉब करते हैं तो ग्राहक अपन से लोन लेने आते हैं, तो जब अपन बैंक किसी को लोन देते हैं तब आपका लोन एंड एडवांस एसेट्स आता है, और जब अपन बैंक से लोन लेते हैं तो क्या आता है आपका, लोन लायबिलिटी। तो अभी अपन लोन ले रहे हैं क्योंकि अपन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कहां जाएगा वो आपका, लोन लायबिलिटी। अपन एंटर कर देते हैं। मेलिंग डिटेल्स में आप बैंक की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे, एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड, सारी इंफॉर्मेशन फिल करके आप इसको सेव कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं डालना, एंटर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब अपन ने बाउचर एंट्री करना है। बाउचर एंट्री के लिए क्या प्रेस करते हैं, वी। बाउचर्स बता रहा है यहाँ पे, अकाउंटिंग बाउचर्स, तो वी प्रेस करते हैं।
यहाँ पे कौन सा वाउचर सेलेक्ट है आपका? पेमेंट। रिसीव वाउचर में आपकी कैपिटल की एंट्री होती है, तो आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे? रिसीव वाउचर। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? F से, या फिर माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे रिसीव वाउचर आ जाएगा आपका, तो टू में क्या आएगा आपका? कैपिटल सिक्स। कीबोर्ड से आप F6 भी कर सकती हैं। C प्रेस करते हैं आप तो कैपिटल दे रहा है, एंटर। कितने रुपए? एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो बाय आ जाएगा, तो बाय में आप कैश लिखते हैं। अगर आपको अलग अलग एंट्री करनी है तो आप कैश लिख के इसको सेव कर देंगे, फिर दूसरी बैंक के लोन की कर देंगे। अगर आपको कंबाइन एंट्री करनी है, एक साथ एंट्री करनी है, तो आप यहाँ पे ये बाय आ रहा है तो आप यहाँ पे टी प्रेस करेंगे, एंटर, टू हो जाएगा। अब अपन बैंक लोन लेते हैं तो बी प्रेस करते हैं, एंटर, एंटर। बाय आ रहा है तो बाय में क्या आ जाएगा आपका? कैश, ठीक है, आ जाएगा आपका पोर्शन, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? नगद माल खरीदा है, खरीदना मतलब परचेस किया, तो परचेस की एंट्री किस वाउचर में होती है? परचेस वाउचर। तो यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करते हैं? परचेस वाउचर। यहाँ से आपका नेम ऑफ आइटम आ रहा तो क्या सेलेक्ट करेंगे? एस वाउचर। टू में क्या आएगा आपका? कैश। क्यों? क्योंकि नगद माल तो खरीद रहे हैं यहाँ, कैश जा रहा है, जो जाता है उसे टू करते हैं और जो आता है उसे बाय करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? कैश। तो सी प्रेस करेंगे आपका कैश आ रहा है 95,000, तो ट्रेड डिस्काउंट है उसपे। अब आपका जो 95,000 रुपए अमाउंट है उस पर आपका ट्रेड डिस्काउंट है, और आप सभी स्टूडेंट को पता है ट्रेड डिस्काउंट को अपन एंट्री में शो नहीं कराते हैं, बस उसका अमाउंट माइनस करके लिख देते हैं। तो अब आपको डिस्काउंट तो सभी स्टूडेंट को निकालना आता है, तो ये कैलकुलेटर है नीचे दिख रहा है सभी को, क्लिक करते हैं 95,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, कितना आया है? 2850। हाँ, वो 2850। अब आपका ये जो 95,000 है उसमें से आप ये अमाउंट माइनस कर देंगे, तो फिर से लिखें अपन 92,150 आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा आपका? कैश में, 92,150, ठीक है, एंटर। बाय में क्या जाएगा? परचेज। बट अपन यहाँ पे पी प्रेस कर रहे हैं तो आ ही नहीं रहा है, क्यों? तो लेजर नहीं बना, और अपन अपनी बाउचर एंट्री में, तो बाउचर एंट्री से लेजर बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? अल्टर प्लस सी। तो कीबोर्ड से आप अल्टर सी करते हैं तो आप यहां से परचेज का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, परचेज अकाउंट। अंडर में कहां जाएगा? कंट्रोल ए कर दिया, ठीक है, दोनों में सेम अमाउंट आ जाएगी, क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। आप एंट्री में उसे शो नहीं कराते हैं, बस नरेशन में लिख देते हैं, कितना था? 95 ट्रेड डिस्काउंट, हमने टी लिखी है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 3%। ये आपके रेशो, मतलब कि आपका टोटल कितने का था? 95,000 का, जिसपे आपका 3% ट्रेड डिस्काउंट था, जो ये अमाउंट है आपका। अगर आप ये नरेशन नहीं लिखते तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली था कितने का माल, आप पता ही नहीं कि इस पे डिस्काउंट है भी या नहीं, ठीक है। तो आ जाएगा आप सभी को। नेक्स्ट क्या है? अब आपने माल खरीदा है, भुगतान में आपने चेक दिया, तो बैंक से रुपए जाएंगे अब आपके, और जो जाता है उसे क्या करते हैं? टू करते हैं, तो टू में क्या आ जाएगा आपका? बैंक। तो बैंक का लेजर ही नहीं बना, तो कैसे बनाएंगे? अल्टर प्लस सी, बैंक अकाउंट। अंडर में ये कहां जाएगा? बैंक अकाउंट। कितने रुपए? अब इस पे आपके दोनों डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। तो जब आपके दोनों डिस्काउंट होते हैं तो पहले कौन सा डिस्काउंट निकलता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो अपन यहाँ पे बन लिख दिया अभी, एंटर। बाय में क्या आ जाएगा? परचेस, क्योंकि अपन माल खरीद रहे हैं।
कितने रुपए अभी पता नहीं है, क्योंकि अपने डिस्काउंट कल